अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत से? ठीक ठाक, मज़े में। दिन का 3 बज रहा है और मेरी काम से छुट्टी हो गई है, अब घर जा रहा हूँ। लेकिन सीन ये है कि मुझे लग रही है ज़बरदस्त भूख। मैंने सुबह 7 बजे नाश्ता किया था, आज मैं लंच लाना भूल गया और मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं लंच कर सकूँ। तो ठीक है, मैं, मेरी वाइफ और मेरी बेटी, हम तीनों मिड डॉग साथ करते हैं, यानी मिड डॉग बोले तो डिनर खाना साथ खाते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा हल्का फुल्का खा लूँ कि मेरी भूख थोड़ी बाकी भी रहे, ताकि घर वालों के साथ जाके खाना खा सकूँ। तो हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का। हाँ जी, अब इससे पहले कि लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो जाएं कि नॉर्वे जाके सब कुछ खाना शुरू कर दिया, मैं ये बता दूं कि मैकडॉनल्ड्स में एक अदद फिश बर्गर भी मिलता है, जो कि हलाल है ऑब्वियसली, और होता है इतना छोटा है कि 4 नॉलों में ख़त्म हो जाए। तो 1 घंटे बाद दोबारा भूख लग जानी है और मेरा घर का रास्ता 1 घंटे का है। अब मैं जा रहा हूँ घर, और घर जाने के लिए मुझे ट्रेन पर बैठना है, और ट्रेन मुझे मिलेगी वहाँ से। यार ट्रांजिशन ये बड़े काम की चीज़ होती है। वैसे इस छोटी सी ट्रांजिशन में मैंने जॉब से लेकर घर तक 1 घंटे का सफ़र तय कर लिया, घर वालों के साथ बैठ के खाना खा लिया, चाय पी ली, नमाज़ पढ़ ली और आपके सामने दोबारा आ गया हूँ। और मुझे आपको एक स्टोरी सुनानी है, लेकिन थोड़ा सा माहौल बनाते हैं। ये बात है 15 साल पुरानी, जब पाकिस्तान में स्मार्टफोन इतना कॉमन नहीं था। मेरे भाई ने 3,000 रुपये का एक डिजिटल कैमरा लिया, जिससे 1 हफ्ते में मैंने 3,000 सेल्फीज खींची। आपके भाई को शुरू से ही मॉडलिंग का शौक था, लेकिन फिर वालदे मोहतरम का हुक्म आया कि बेटा पढ़ लिख लो, कुछ बन जाओ, फिर शौक पूरा कर लेना। ओके अम्मी, आपका हुक्म सर आंखों पे। पढ़ भी लिया, लिख भी लिया, डॉक्टर बन गया, शादी भी कर ली, जॉब भी मिल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक दिन मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर जो है अपने थम एक्सरसाइज कर रहा था, तो मेरी नज़र पड़ी इब्रार मलिक पर। इब्रार मलिक बियर्ड मॉडल फ्रॉम क्रिस्टियानसन, उसको देख के आपके भाई के जहन की घंटी बजी। मैंने सोचा यार कि दाढ़ी तो मेरी भी है और मॉडलिंग का शौक भी, तो क्यों ना बियर्ड मॉडलिंग ट्राई की जाए। लेकिन मॉडलिंग के लिए ज़रूरी है कि आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो, और अच्छे पोर्टफोलियो के लिए अच्छे फोटोग्राफ्स, और अच्छी फोटोग्राफ्स के लिए अच्छा फोटोग्राफर। तो आइए आपको अच्छे फोटोग्राफर्स मिलवाते हैं। मैं हमेशा की तरह थोड़ा लेट हो गया हूँ और पार्किंग नहीं मिल रही थी यार, पार्किंग। शूट फारिग हो गए और मैं अभी जा रहा हूँ घर, रात का 10 बज गया। शूट ज़बरदस्त रही, बंदा बड़ा एक्सपीरियंस था और बड़ा ज़बरदस्त था, काम बड़ा अच्छा किया उन्होंने, काफ़ी अरसे से इस फील्ड में तो काफ़ी एक्सपीरियंस है उनका। अभी थोड़ी देर में तस्वीरें वो मुझे भेज देंगे और मैं फिर सिलेक्ट करके उनको दूंगा, वो फिर एडिट करके मुझे वापस करेंगे और फिर मैं वो तस्वीरें अपनी इंस्टा पर डालूंगा, कुछ इस वीडियो में आप देखेंगे। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा,
अभी प्रोग्राम ये है कि घर जाके सोना है, नींद आ रही है, सुबह फिर अपने काम पे जाना है, डॉक्टरी करनी है, तो आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी बाकी तस्वीरें अपनी इंस्टा पे डाली हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट।